रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश वशिष्ठ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। यह वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 9th से 10th में आ रहा है और जिसने ये डिसाइड कर लिया है कि उसने हमारे यहां से कोचिंग को लेना है। तो यहां मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार 10th क्लास का एक विजन आपके सामने रखने जा रहा हूं कि हम इस 10th के नए एकेडमिक सेशन को किस तरीके से लेने जा रहे हैं। मैं अपने सभी सेशंस को एब्सोल्युटली लाइव लेने जा रहा हूं। मैथ और साइंस में हमारे जितने भी सेशंस होंगे, जितने भी चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, वो 2 अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट होगा और 18 से 20 फरवरी 2021 तक ये सेशन एब्सोल्युटली लाइव चलेगा। इस सेशन का हमारा जो मकसद है वो हम अगर उस सेशन को देखें तो 2 पार्ट्स में हम सेशन को डिवाइड करेंगे। हमारा पहला जो सेशन रहेगा वो अप्रैल से स्टार्ट होकर 30 सितंबर तक रहेगा, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव जो है 10th के सिलेबस को खत्म करना रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर 5 या 10 अक्टूबर को इस साल हम अपने बच्चों को, हर उस बच्चे को जिसने सिंसियरली हमारे सेशन को फॉलो किया होगा और करेगा, वो एटलीस्ट 85-90% के लायक ऑलरेडी हो चुका हो। कहने का मतलब है कि अगर हम बोर्ड का पेपर उसे 8 से 10 अक्टूबर को दें तो कम से कम 85-90% मार्क्स वो उसी समय लेने के लायक हो जाए। तो ये हमारा अगर देखा जाए तो हमने अपने पूरे सेशन को एक पहले सेमेस्टर में इस तरीके से लेने जा रहे हैं। जहां तक दूसरे सेमेस्टर का सवाल है, हम सभी जानते हैं कि 10th बोर्ड का पेपर लगभग 8 से 10 नंबर का पेपर ऐसा होता है कि विच इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ एवरी चाइल्ड, जो हर बच्चा उन क्वेश्चंस को ढंग से सही आंसर के तौर पर नहीं दे पाता। लेकिन हर उस स्टूडेंट ने पूरे साल ईमानदारी से जिसने मेहनत की है वो भी उन क्वेश्चंस के आंसर्स को सही दे पाए, तो हमारा मकसद अक्टूबर से उन सभी क्वेश्चंस को भी लेना होगा जो सो कॉल्ड डिफिकल्ट होंगे और बोर्ड एग्जाम्स में जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज्यादा हाई होगी। हम उन क्वेश्चंस को भी बहुत डिटेल में मैथ और साइंस के अंदर लेंगे और ये अपनी तरफ से अश्योर करेंगे कि अगर वो क्वेश्चंस एग्जाम में बच्चे अटेंड करें तो उनका आंसर बिल्कुल ठीक दें। इसके साथ साथ हमारा एक मकसद और रहेगा, जिस किसी भी बच्चे ने आने वाले समय में जी एंट्रेंस की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, आने वाले समय में CA CPT जैसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल कैरियर्स को हासिल करने के लिए अपनी तैयारी करनी है, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो उन सभी बच्चों की इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैथ और साइंस को लेंगे। कहने का मतलब है हम हर चैप्टर में से हर उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो कि CBSE बोर्ड के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आने वाले भविष्य को देखते हुए बेहद इंपॉर्टेंट है, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से क्लियर करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे और उसके साथ साथ हमारा मकसद ये रहेगा कि हम ऐसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को भी ले लें जो किसी 100 स्टूडेंट से ही पॉसिबल हो आंसर सही देना, अगर हम बात करें 10,000 स्टूडेंट्स की भी। तो कहने का मतलब है जो ऑब्जेक्टिव किसी भी बच्चे का हमारे पास आना है तो वो ऑब्जेक्टिव उसका पूरा हो। देखिए आज की डेट में जहां तक 10th क्लास के CBSE बोर्ड के पैटर्न का सवाल है, एग्जामिनेशन पैटर्न का सवाल है, लगभग 80-82% नंबर लेने के लिए किसी बच्चे को मेरी निगाह में कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर वो थोड़ा भी अपने आप से जागरूक है तो इतनी परफॉर्मेंस वो अपने आप सेल्फ स्टडी के थ्रू ला सकता है। लेकिन हर वो स्टूडेंट जो इन डेप्थ नॉलेज चाहता है, जो चाहता है कि मुझे चैप्टर की कंप्लीट मास्टरी हो, लेट द क्वेश्चन कम फ्रॉम एनी बुक, आई शुड बी इन ए कंडीशन टू गिव द राइट आंसर बिहाइंड इट, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं हम पूरे सेशन के दौरान ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेंगे जो ना केवल आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को, CBSE के एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतरीन लेवल पर अनायास ही लाने में कैपेबल बनाएगा आपको, बल्कि आपकी नॉलेज के स्तर को भी NCERT के स्तर से 3 से 5 गुना ऊपर लेके जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।